हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपको दिखाते हैं वीडियो में कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं नीचे और स्कूटी निकालते हैं और उसके बाद कुछ खाने का सामान लेके आते हैं बाजार से। पहले लेके आएंगे भुजिया वगैरह, कुछ दाल वगैरह, चाय नाश्ते के लिए। और तो चलो चलते हैं। गेट खोल दिया हमने। ये हमारी स्कूटी है, ये बैटरी वाली स्कूटी है। चार्ज करो चलो, ना कोई हेलमेट ना कोई पेपर की रिक्वायरमेंट इसके लिए। तो अभी स्कूटी निकालते हैं बाहर। राम राम अंकल जी। राम राम भाई, राम राम गुरु, क्या हाल है भाई? ठीक है। एक मिक्सर दियो, वो भुजिया वाला खट्टा मीठा वाला दे दो। काजू वाला दे दो, ये दे दो, हल्दीराम वाला दे दो। ये जो हाथ लगा रही हो ये दे दो। ये मिक्सर है, वो सारी चीज़ है इसमें। ये दे दो। कितने का अंकल? बहुत अंकल दया ऊपर वाले की। तो अभी हमने दे दिया है घर पे मिक्सर और अभी चलते हैं भुजिया वाले की दुकान पे। मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़िया साफ सुथरी चीज़ कहाँ मिलती है और मार्केट से कम पैसे में। राजस्थान के हैं वो, तो वो अपने घर में ही बनाते हैं, उसके बाद दुकानों पे सप्लाई करते हैं। तो चलो चलते हैं। ये देखो, बेवकूफ़ आदमी ना लेफ्ट देख रहे ना राइट देख रहे और सीधा रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं। स्कूटी में बैटरी भी कम है, चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी। ये सामने बच्चा गिर गया, रोड पे भाग रहा था। ये यहाँ से रॉन्ग साइड देना पड़ेगा हमको, क्योंकि उस साइड से रास्ता नहीं है जाने के लिए। ये यहाँ कुछ सब्जी मंडी लगती है, आपको नज़र आ रही होगी। यहीं कहीं है, ये दलाल डेयरी है बहादुरगढ़ की। यहाँ से आप दूध वगैरह ले सकते हैं। और न्यूरा स्कूल की गली में है आई थिंक, काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ। तो देखते हैं कहाँ पर है न्यूरा स्कूल, आगे है। ये है न्यूरा स्कूल और जो वो भुजिया वाला है वो इस गली के अंदर है। लाला जी राम राम। तो ये हमारे क्लास फेलो मिल गए हैं हरीश जी, तो इनसे मिलते हैं। ये बिजली दफ्तर में बहादुरगढ़ में काम करते हैं। और हरीश दादा जी क्या हाल चाल?
चालू है। ये हमारे हरीश जी हैं भाई। अपना जीवन जिस हिसाब से आदमी खुश होकर जी सके ना, वैसा जीना चाहिए। मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तेरा अपना जीवन दबाव पर नहीं जिया। मैं तेरे दादा ने भी जानूंगा, तेरे पापा ने भी जानूंगा, तेरे मम्मी ने भी जानूंगा। ₹10 फुल ले देता हूँ मैं दोस्तों। ये हमने ले लिया है और अब चलते हैं घर की तरफ। ये स्कूटी में लगाई चाबी और चलते हैं अब घर पे। अभी आपने देखा ₹360 में कितनी सारी आइटम आ गई। तो ये न्यूरा स्कूल की गली में है, जो भी भादुगढ़ रहते हैं वो यहाँ आकर अपना डायरेक्ट आके ले सकते हैं। न्यूरा स्कूल की गली में, साथ वाली गली में चौथा पांचवा मकान है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ये। और इसकी पहचान ये है, वाइट कलर का काफ़ी बड़ा महाराजो टाइप में गेट है। तो उस गेट में घुसते ही आपको सामने दिख जाएंगे, ये रखे हुए मिल जाएंगे आपको। हम चलते हैं घर की तरफ। Oh yeah, she can make you say my boy. Call me Mr. Bean, I go make you one. सबको जल्दी पड़ी है घर जाने के लिए। जिसका जो मन करे वो वहाँ घुस रहा है। ये नाला होता था पहले, नाले पे से रोड बना दिया, उसके बाद भी कितना ट्रैफिक है। ये देखो, ये रेलवे रोड है भादुगढ़ का, और दोनों साइड कितना ट्रैफिक है। लोग बाग अपनी गाड़ियां लगा के और चले जाते हैं। यही मज़ा है दोस्तों बैटरी वाली स्कूटी का। कहीं से भी निकाल लो, और ना कोई पुलिस का चक्कर, ना कोई हेलमेट का, ना पेपर का। अपना चार्ज करो और चलाओ। थोड़ी देर इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी जो है वो टिंटिंग आने लग रही है। स्कूटी भी आपको वीडियो में शायद दिखाई दे रही होगी। इसको चार्ज करेंगे आधा घंटा, उसके बाद चल जाएगी ये कुछ टाइम। फिर रात को लगा देंगे इसको, क्योंकि अभी जिम में भी जाना है। जिम में जाएंगे आज फर्स्ट टाइम, तो आपको दिखाते हैं। ये हम पहुंच गए अपने घर, और ये किसने ट्रैक्टर लगा दिया घर के बाहर। अब स्कूटी कैसे लेके जाएंगे अंदर, करते हैं इसका भी इंतजाम। यहाँ खड़ी करके और अंदर घुसाते हैं। ये हमारी धन्नो है, इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। कल सारी कीचड़ में हो गई है, तो इसका भी नंबर लगाते हैं धोने में। और ये हमारी स्कूटी का भी हाल देखो कैसा हो चुका है, इसको भी लगाएंगे सर्विस पे, तो सफाई करेंगे इसकी। स्कूटी खड़ी करी हमने, दरवाज़ा बंद करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं इसको। चार्जिंग यहाँ पे इसका चार्जर रखा है, ये चार्जर।
इसको लगाते हैं चार्ज पर, थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं जिम में। ये लगाया है यहाँ पावर सॉकेट में, और इसको रख देते हैं सीट के ऊपर। ये लगा दी हमने चार्ज पर, लाइट आपको दिख रही होगी उसमें जल्दी, और ये चार्ज हो जाती है। उसके बाद चलते हैं जिम में, मूविंग करते हैं ऊपर। ये आ गए हम अपने घर पे, अभी इसको रखते हैं और वेट करते हैं आधे घंटे में, फिर निकलते हैं। ये देखो वहाँ मोबाइल चल रहा है और यहाँ गाने चल रहे हैं सैड। अभी चलते हैं जिम में, तो स्कूटी चार्ज होगी होगी, ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, पास में ही जाना है, तो इसको भी हटा देते हैं, आके लगा देंगे इसको साइड में, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। इसको रखते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों जो जिम है ये झज्जर रोड पे पड़ती है, ये झज्जर रोड आ गया। ये दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर है द बॉडी लाइन जिम, तो चलते हैं अंदर। राम राम अंकल जी, ठीक है अंकल, आप बताओ। और भाई चलते हैं ऊपर, ये एंट्री है। भाई को फोन कर लेते हैं कहाँ पे है। ये कुछ जिम है, ये है हमारे बड़े भाई साहब सुनील जूल, ये एडवोकेट भी हैं, तो ये हमें गाइड करेंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये हमारे गुरुजी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो अभी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, होप आपने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।